हेलो स्टूडेंट्स, माशाल्लाह आशुतोष शर्मा एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्काईवे लर्निंग हब। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस कैसे निकालते हैं। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जेई में अगर आप जा रहे हैं या आप एनडीए का एग्जाम देने जा रहे हैं, आप सीडीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस कैसे निकालते हैं। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करेंगे आज का सेशन, ठीक है, और जिसमें कि हम पढ़ेंगे ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करेंगे कि डेफिनेशन क्या बोलती है ट्रेस की। तो डेफिनेशन यहाँ पे देखिए, द सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले यहाँ पे भी कंडीशन होनी चाहिए कि हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो लास्ट लेक्चर्स में हम देख रहे हैं कि हमारे पास मैट्रिक्स ज़्यादातर कैसे होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो इस लेक्चर में भी जो हम पढ़ने वाले टॉपिक ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, उसमें भी कंडीशन क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी हम उसका ट्रेस निकाल पाएंगे, ठीक है। तो ट्रेस निकालने के लिए क्या बोल रहा है कि हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट्स, अब डायगोनल कौन सा डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल की बात कर रहा है। अब प्रिंसिपल डायगोनल किस में होता है, केबल और केबल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होता है। तो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स की बात करेगा तो सिंपली ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अब उन एलिमेंट्स का हमें करना क्या है, हमें करना है सम, मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं डायगोनल एलिमेंट हैं उनका सम कर दीजिए, भाई हमारा क्या हो जाता है, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स हो जाता है। और ट्रेस को डिनोट कैसे करते हैं, टी आर और ये ब्रैकेट में यहाँ पे ए लिख देंगे। कोई भी मैट्रिक्स ए है उसका ट्रेस कैसे निकालेंगे, टी आर और ए, ठीक है। तो इससे डिनोट किया जाता है ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। तो काफ़ी ईजी है, कुछ नहीं करना, आपको प्रिंसिपल डायगोनल देखना है, उसके एलिमेंट्स सारे ऐड कर देने हैं, वहाँ से आपका निकल के आ जाता है ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स की यहाँ पे अगर मैं मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करूँ तो मैथमेटिकल डेफिनेशन किस तरीके से यहाँ पे डिफाइंड होगी, तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है टी आर ए, ट्रेस निकालना है हमें मैट्रिक्स ए का। तो मैट्रिक्स ए क्या होता है, ट्रेस क्या होता है, नंबर वन हमें पता है सम होता है, तो ये लिख देंगे सिग्मा। अब सम किसका होता है, डायगोनल एलिमेंट्स कौन से, प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कौन से होते हैं, ए आई आई होते हैं, ये भी हमें पता है। और स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास, तो आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, आई की वैल्यू वन से लेकर के जो भी हमारा ऑर्डर होगा उस स्क्वायर ऑर्डर, हमारे पास सपोज दैट एन है तो वन से लेकर के एन तक आई की वैल्यू होगी। और हर डायगोनल एलिमेंट्स का जब हम सम कर देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ अ ए, ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस हो जाएगा। तो ये तो ट्रेस की डेफिनेशन हो गई यहाँ पे। तो वन बाय वन हम देखेंगे कुछ मैट्रिक्स हमने अभी तक जो पढ़ के रखी हैं उनका ट्रेस कैसे निकालते हैं, विद एग्जांपल हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक आती है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स आपको पता है कि क्या होती है, पहले मैं आपको बना के दिखा दूँ। डायगोनल मैट्रिक्स ये बोलती है कि डायगोनल के एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, ए बी सी है अगर हमारे पास, और अदर एलिमेंट्स मीन्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स अगर जीरो हैं, तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ये हमें पता है, ठीक है, अच्छे से। अब हमें क्या निकालना रहता है, प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल हमारे पास क्या है, ए बी सी। अब प्रिंसिपल क्यों है, क्योंकि अगर ए की बात करूँ तो इसकी पोजिशन क्या है, ए वन वन, अगर मैं बी की बात करूं तो ये ए टू टू पे है, सी की बात करूं ये ए थ्री थ्री पे है, तो यहाँ पे सफिक्सेस सेम है इसलिए ये प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट है। अब प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट का क्या करना होता है, हमें सम करना होता है तभी हम ट्रेस निकाल पाएंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी कर दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा हमारे पास, ये प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स का सम है और यही क्या है, ट्रेस होता है ए का। और मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, सिग्मा ए आई आई, ठीक है, सिग्मा ए आई आई, और आई की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, वन से लेकर के कहाँ तक जाएगी, कोई भी ऑर्डर होगा, एन क्रॉस एन का सपोज डेड ऑर्डर है तो एन तक जाएगी, बट यहाँ पे ऑर्डर कैसा है, थ्री क्रॉस थ्री का हमने लिया, तो तीन ही एलिमेंट हमें मिल रहे ए बी सी, तो आई की वैल्यू वन टू थ्री यहाँ पे जाएगी, ठीक है। तो ये ट्रेस होता है डायगोनल एलिमेंट्स का। तो डायगोनल एलिमेंट का ट्रेस क्या होगा, सिंपली ए प्लस बी प्लस सी। ये अच्छे से आपको आई होप समझ में आ गया होगा डायगोनल मैट्रिक्स का ट्रेस कैसे निकालते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मैट्रिक्स लेंगे, उसके बारे में हम देखेंगे। तो नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारी है स्केलर मैट्रिक्स। अब हमें स्केलर मैट्रिक्स भी पता है, देखिए डेफिनेशन बेस्ड है, अगर आपको डेफिनेशन नहीं पता है डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, तो आप नहीं निकाल पाएंगे। सपोज दैट हमारे पास कोई भी स्केलर मैट्रिक्स के लिए क्या होता है कि डायगोनल ये होती डायगोनल मैट्रिक्स ही, बट वहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन लग जाती है कि डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू कोई स्केलर के बराबर हो, मीन्स ये हर जगह के आएगा, इसके हर डायगोनल एलिमेंट के बराबर होंगे, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होंगे, ये जीरो होंगे, ठीक है। अब हमें ट्रेस कैसे निकाला जाता है,
प्रिंसिपल डायगनल है, प्रिंसिपल डायगनल के एलिमेंट का सम, तो प्रिंसिपल डायगनल ये है हमारा, ठीक है। और इसका एलिमेंट कौन है, के, तो के प्लस के प्लस के करूँ मैं तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू के इज इक्वल टू 3k हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 है, अब ऑर्डर इसका क्या है, मैट्रिक्स का 3x3 है। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x3 था तो हमने 3 लिख दिया, अगर 4 की होती तो यहाँ पे क्या आ जाता, 4 आ जाता। इसी तरीके से अगर nth ऑर्डर है तो ये क्या बन जाएगा, 3 की जगह यहाँ पे बन जाएगा nk, तो ट्रेस हमारा क्या बन जाएगा, nk। तो यही हमारा होता है स्केलर मैट्रिक्स का ट्रेस nk के बराबर होता है, ठीक है। तो ये तो हो गई स्केलर मैट्रिक्स का ट्रेस कैसे निकालते हैं उसकी बात हो गई। उसके बाद हम बढ़ेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के केस में हम ट्रेस कैसे निकालेंगे। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपको पता क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है कि डायगनल मैट्रिक्स ही होती है, पता है हमको डायगनल मैट्रिक्स होती है। बट यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन क्या होती है कि डायगनल के एलिमेंट्स के की बजाय 1 के बराबर हो जाते हैं, ठीक है। के की बजाय किसके बराबर हो जाते हैं, 1 के बराबर हो जाते हैं, और नॉन डायगनल एलिमेंट्स जो हमारे हैं वो 0 के बराबर हो जाएंगे। तो ये 0, ये 0, ये 0, इसका ऑर्डर क्या हमने लिया है, 3x3 लिया है। अगर मैं बात करूँ ट्रेस की, तो ट्रेस क्या होगा, डायगनल प्रिंसिपल डायगनल एलिमेंट को ऐड कर दीजिए, 1+1 वैल्यू कितनी आएगी, 3। तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 1 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ऑर्डर 3 था तो ये 3 × 1 आया, अगर ऑर्डर 4 होता तो क्या आ जाता, 4 × 1, तो 4 आती है हमारे पास वैल्यू। यहीं पे अगर ऑर्डर n होता है इसका तो हम क्या लिख सकते थे, n × 1 = n, ठीक। तो ये ट्रेस हो जाता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें पता है डायगनल एलिमेंट किसके बराबर होते हैं, 1 के बराबर, तो 1 को अगर n टाइम ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, n ही तो आएगी। तो ये हमारा ट्रेस हो जाता है किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, ठीक है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट था। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने पढ़ा सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। फिर हमने आपको ये भी बताया था कि इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगनल एलिमेंट्स कैसे होते हैं, डायगनल एलिमेंट जो होंगे वो हमारे 0 होते हैं, ये हमने आपको बताया था। हमने क्या बताया था, AII = 0 होता है। अगर आपने हमारा सिमेट्रिक और इसके सिमेट्रिक का लेक्चर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, आपको वहाँ पे मिल जाएगा दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो डायगनल एलिमेंट 0 होंगे तो हम बात करेंगे, एक हम बनाएंगे यहाँ पे इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डायगनल एलिमेंट कैसे होंगे हमारे पास, 0 हो गए, हम लिखेंगे HGF, ठीक। और यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस का एच, माइनस का जी, माइनस का एफ, यही तो हमने आपको एग्जांपल दिया था इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। इसका ऑर्डर क्या है, 3x3। अब हमें क्या करना है, ट्रेस निकालना है। ट्रेस में क्या करेंगे, 0+0+0, क्योंकि डायगनल एलिमेंट्स यही है। 0+0 कितनी बार भी कीजिए ऐड रहेगा हमेशा क्या, 0। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि आपका कोई इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका ट्रेस क्या होगा, उसका ट्रेस 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि उसके डायगनल एलिमेंट्स की वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। तो ये तो इसकी सिमेट्रिक की बात हो गई। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ पे हम बात करेंगे कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं ट्रेस की, ठीक है। तो 1 by 1 हम डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे कि हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स ए है और उसके साथ अंदर मल्टीप्लाई में के है, कोई के स्केलर है, तो वो के हमारा बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा TRA, ठीक है। जैसा कि हमने आपको ट्रांसपोज के केस में भी बताया था के बाहर आ जाता है, तो यहाँ पे भी सेम केस है, ट्रेस के केस में भी क्या है, के स्केलर बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा और उस ए मैट्रिक्स का हम ट्रेस ले लेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी पे चलते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी ये बोलती है कि दो मैट्रिक्स अगर आपस में एडिशन या सब्ट्रैक्शन में है, a+-b, ठीक है, तो उनका ट्रेस कैसे निकालेंगे, तो सिंपली कुछ नहीं है, आप इसको अलग अलग हम यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे, ए ट्रेस ए प्लस माइनस ट्रेस बी। तो इस तरीके से ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ पे ट्रेस की निकल के आती है। और उसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप इसको 4 स्टार लगा दीजिए, 4-5 स्टार लगा के लिख लीजिए अपनी नोटबुक पे। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने एक रिवर्सल लॉ पढ़ा था, रिवर्सल लॉ अप्लीकेबल हमने पढ़ा था ट्रांसपोज में भी होता है और इनवर्स में भी होता है। ये क्या बोलता है कि सपोज दैट ए और बी का ट्रांसपोज अगर हम निकालें तो ये क्या हो जाता था, बी ट्रांसपोज ये ए ट्रांसपोज हो जाता था, ठीक। अगर भाई इनवर्स का बात करें मैं, तो इनवर्स के केस में ए बी इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाता था, बी इनवर्स ए इनवर्स, यहाँ पे ऑर्डर रिवर्स हो जाता था। ये रिवर्सल लॉ बोलता था ट्रांसपोज और इनवर्स के केस में, बट ट्रेस के केस में ये रिवर्सल लॉ फॉलो नहीं करेगा। मींस
क्या हो जाएगा अगर ट्रेस ऑफ ए बी निकाल लें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये हो जाएगा ट्रेस ऑफ बी इंटू ट्रेस ऑफ ए, ये नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो आप ये भूल मत करिए, रिवर्सल लॉ यहाँ पे फॉलो नहीं करता है। तो अगर ट्रेस ए बी की मैं बात करूँ तो इसकी वैल्यू सेम ही रहती है, चाहे आप ए बी इसका ट्रेस निकाल लीजिए, चाहे आप बी ए इसका ट्रेस निकाल लीजिए, ऑर्डर से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसका ट्रेस इसके बराबर होगा, बी ए के ट्रेस के बराबर होगा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है यहाँ पे, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी थर्ड प्रॉपर्टी की। उसके बाद हम बढ़ेंगे फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोलती है हमारे पास, अगर हम ए मैट्रिक्स लें और उसका ट्रांसपोज ले लें, तो ए मैट्रिक्स का ट्रेस जो होगा वो किसके बराबर होगा, हमारी ट्रांसपोज जो है उसका ट्रेस ले लेंगे, तो दोनों के वैल्यू कैसी आएगी, सेम आएगी। अब ट्रांसपोज में प्रिंसिपल डायगोनल का भी चेंज नहीं होता, ये आपने कभी एनालाइज किया हो या ना किया हो, आप देख लीजिए ट्रांसपोज करिए किसी मैट्रिक्स का, उसमें प्रिंसिपल डायगोनल चेंज नहीं होगा। और हमें क्या चाहिए होता है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का सम, तो सम भी नहीं चेंज होगा। जब डायगोनल नहीं चेंज हो रहा तो सम भी नहीं चेंज होगा, तो सिंपली ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए। तो ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है। उसके बाद हम अपनी लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। लास्ट प्रॉपर्टी ये बोलती है, अगर हमारे पास कोई सी मैट्रिक्स कैसी है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये कैसी है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, अगर उसकी वैल्यू हमारे पास जीरो के बराबर है तो सिंगुलर है। तो सी यहाँ पे कैसी है, नॉन सिंगुलर है, तो इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो के बराबर है। ठीक है, तो इसका अगर हम कॉम्बिनेशन मीन्स इसकी मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरह कराएं कि ट्रेस ऑफ सी ए सी इनवर्स, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी ट्रेस ऑफ ए के बराबर ही हो जाएगी। अब आपको याद कैसे रखना है, आप सिंपली याद कर लीजिए कि हमारे पास सी कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और वो हमारे ए के प्री मल्टीप्लाई हो रही है और उसका इनवर्स पोस्ट मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये सी और ये सी, सपोज दैट कैंसल आउट हो गए, हमारे पास सी सी इनवर्स कैंसिल हो गया, क्या बचा, केवल ए बचा है, तो ये हमारा बन गया ट्रेस ऑफ ए। तो ये ट्रिक है याद रखने की इस प्रॉपर्टी की। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 5 प्रॉपर्टीज थी, हमने कुछ स्पेशल मैट्रिक्स बताई और उनका ट्रेस कैसे निकलता है वो भी डिस्कस कर लिया है। और आपको अगर क्वेश्चन मिल जाए, पूछ दिया जाए इसका ट्रेस निकालो, तो कुछ नहीं करना है, आपको डायगोनल एलिमेंट्स का सम कर देना है, आपका ट्रेस निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही था। मैं अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ एनसीईआरटी का, जिसका नाम क्या है यहाँ पे, डिटर्मिनेंट। क्योंकि मैट्रिक्स हमने कंप्लीट करा दिया है तो उसका सेकेंड पार्ट है डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट हम अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर जो लेंगे वहाँ पे डिटर्मिनेंट चैप्टर डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप जितने भी आपके क्लास 12 के स्टूडेंट्स, आपके फ्रेंड्स हों, ठीक है, अगर आपके कोई रिलेशन में भी हो, तो आप उन सबको बता दीजिए कि मैट्रिक्स रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद डिटरमिनेंट चैप्टर हमारे चैनल पर स्टार्ट होने जा रहा है। तो अधिक से अधिक आप उनको वीडियो शेयर भी कर दीजिए, ठीक है, और चैनल भी बता दीजिए और उनको बोल भी दीजिए सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारे हर नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, और अगर आपने अभी तक हमारी अदर वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारी अदर वीडियोस भी देख सकते हैं, जिसमें क्लास 12 का जो नया सिलेबस है, रिड्यूस सिलेबस 2022 बैच के लिए, वो भी हमने यहाँ पे फुल एनालिसिस करके रखी है। ठीक है, और आपका जो CBSE ने सर्कुलर रिलीज किया था बाइफरकेटेड सिलेबस, उसकी भी एनालिसिस है, वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। और बोर्ड स्ट्रेटजी भी हमने आपको बताई है, बेस्ट स्ट्रेटजी है, आप वो भी देखिए। उस तरीके से अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, आप 90+ या 95+ आसानी से गेन कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर मेरी स्ट्रेटजी देखिएगा तो आप 95+ आसानी से गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ थंबनेल्स की यहाँ पे पिक दिख रही होगी स्क्रीन पे, इन थंबनेल्स को जाके चेकआउट कीजिए, इन पे एक वीडियो मिल जाएगी, तो इन वीडियोस को आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, आप हमको सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा इंस्टाग्राम का यूजर नेम है @swlh01, फेसबुक पे भी आप हमको नेम से सर्च कर सकते हैं, और टेलीग्राम का यूजर नेम है हमारा @skyurlswlh, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे अब हम रिसेंट में एक मैट्रिक्स का टेस्ट वहाँ पे कंडक्ट कराने जा रहे हैं, जिसमें कि हम मैट्रिक्स का एक PDF डाल देंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे आपको सॉल्व करके, आपको वहीं टेलीग्राम पे क्या करना होगा, उसी चैनल पे पोस्ट करना होगा अपना आंसर शीट। ठीक है, तो वहाँ पे भी आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और हमारे हर लेक्चर की नोटिफिकेशन वहाँ पे चैनल पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो
तो स्टूडेंट्स मिलेंगे अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।